गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौसन कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का बीएसटी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहा हूं और ये मॉडल सेट वन है। आप सभी स्टूडेंट इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉपी में उतारिए, देखकर वीडियो को देखकर उतारिए। टाइम बहुत कम है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, यानी कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैं जो पहले पढ़ाता हूँ, आप लोगों को जो पढ़ाता हूँ विद एक्सप्लेनेशन, लेकिन टाइम कम है इसलिए उतना एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिल पाएगा अभी, है ना। आपको उतारना है क्वेश्चन और आप लोग अपना जो प्रॉब्लम है वो मुझे लिखा करें व्हाट्सएप में। मैं व्हाट्सएप नंबर तो दे देता हूँ लेकिन आप लिखने ही नहीं चाहते हैं, है ना। और लिखना स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल को दबाइए, जिससे मेरा बनाया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। केवल सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आइकन बेल को दबाना ऑल में करने से ही नोटिफिकेशन मिलता है, ये सबसे जरूरी बात है। अब क्लास 12 का तो सारा विषय का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल से सब मिलेगा, इसलिए बढ़िया से एकदम इस बार सीख सके। 12th में आपके साथ ज्यादा मेहनत करूंगा, है ना। अभी तो बहुत दिनों के बाद बहुत कम समय के लिए मैं आपके पास आया हूँ, तो आप उतना तो मैं मदद नहीं कर पाया हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। और सबको ईद मुबारक भी बोलना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, कल ईद था 3 मई को, है ना, छुट्टी आज भी है, छुट्टी के दिन ही मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ ताकि आप घर में स्टडी कर सके। आप लोगों ने बोला सर जल्दी से इसका एक मॉडल सेट वन तैयार कर दीजिए, तो मैं तैयार कर रहा हूँ। आज का डेट बताइए, आज का डेट 4 मई 4/5/2022, है ना। और सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज है, बीएसटी स्टडीज लिखी, नॉट स्टडी, STUDIES, है ना, बिजनेस स्टडीज है। और ये क्लास 11th के लिए, बहुत स्टूडेंट्स को 12th भी समझ जाएगा, मैं लिख देता हूँ। और ये फॉर जैक बोर्ड है ना, और ये है, मैं मॉडल सेट वन तैयार कर रहा हूँ, जरूर पढ़िए मॉडल सेट वन, कॉपी में देख उतारी कुछ तो हेल्प हो जाएगा। फॉर जैक बोर्ड है ना, JAC, आपको ये बताया जाता मॉडल सेट में है कि बताया जाता है किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, यानी 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा टर्न वन में, ठीक है ना, और आपको जवाब देना है उसी में। अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ, फोन नंबर भी लिख दे रहा हूँ, तो बन है। और इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होगा, मैंने आपका जो एग्जाम होगा, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, इसमें मैं कितना क्वेश्चन आपको ले सकता हूँ, तो लिखना स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है मेरा इंडस्ट्री is a part, इंडस्ट्री इज ए पार्ट, अब 4 ऑप्शन है, सुनिएगा, 4 ऑप्शन, इंडस्ट्री इज ए पार्ट, इसका हिंदी हुआ उद्योग अंग है, और इसका 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन तो मैं बोल दे रहा हूँ, लिखने पर बहुत टाइम लगता है। पहला ऑप्शन में है व्यवसाय का, और अंग्रेजी में ऑफ बिजनेस। दूसरा ऑप्शन है
वाणिज्य का ऑफ कॉमर्स, ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन है ऑफ ट्रेड व्यापार का, और लास्ट ऑप्शन या डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो इंडस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ, क्या हो जाएगा उत्तर, पहला ऑप्शन जो था वो है बिजनेस, है ना, बिजनेस का ही इसका सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, चलिए लिखिए आप लोग, इसको मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑफ बिजनेस, बिजनेस का पार्ट, है ना, इसमें क्या होता है बिजनेस है ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कॉपी उतारिए इसको बढ़िया से, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखिए, क्या है स्टूडेंट लिखिए, बिजनेस इज, बिजनेस इज, बिजनेस इज, बिजनेस इज, बिजनेस इज, ठीक है, हिंदी हो गया व्यवसाय है, क्या है व्यवसाय, ऑप्शन सुनिएगा, जो ऑप्शन सही रहेगा उसी पर टिक करना, और एग्जाम में आपको ओ एम आर शीट मिलेगा, और ओ एम आर शीट में आपको गोल गोल करना रहेगा, डार्क डार्क करना रहेगा, जो सही आंसर होगा उसको क्या करना होगा, डार्क टिक नहीं करना है। तो सुनिए, व्यवसाय है यानी बिजनेस इज, चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन में कला यानी इंग्लिश में आर्ट, दूसरा में विज्ञान इंग्लिश में साइंस, और तीसरा में बोथ यानी आर्ट एंड साइंस बोथ, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो व्यवसाय है क्या है, क्या व्यवसाय एक कला है, क्या व्यवसाय एक विज्ञान है, या क्या व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यवसाय जो है कला और विज्ञान दोनों है, यहाँ लिख दीजिए, है ना, ठीक है, बोथ बिजनेस एंड साइंस, ठीक है, मैं पहला नंबर वाला मिटा दे रहा हूं, लिख लिए होंगे स्टूडेंट, आइए सी नंबर, सी नंबर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट सी नंबर में आइएगा, दो तो हो गया, अब थ्री आ गया, देखिए क्वेश्चन लिखिए, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म, इन ए फर्म, पार्टनरशिप फर्म होता है तो उसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म फॉर ए जनरल बिजनेस, और ए जनरल बिजनेस, इसका हिंदी में बता देता हूं, इसका हिंदी सुनिएगा, इसका हिंदी यही है कि सामान्य व्यवसाय, जनरल बिजनेस का हिंदी क्या होता है, सामान्य व्यवसाय फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन यही है, पहला ऑप्शन में है 5, दूसरा में 50, और तीसरा में है 20, और डी में 30। तो एक साझेदार, साझेदारी फर्म में सामान्य साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए,
न्यूनतम संख्या दो होनी चाहिए और अधिकतम संख्या 50 होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर कितना होगा, 50, याद रखिएगा। फोर नंबर लिखिए, फोर नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर नंबर लिखिए, वो स्कोप ऑफ सोल ट्रेडिंग, स्कोप ऑफ सोल ट्रेडिंग क्वेश्चन है। इसका हिंदी हुआ कि एकाकी व्यापार का कार्य क्षेत्र। एकाकी सोल ट्रेडिंग का हिंदी क्या होता है, एकाकी व्यापार होता है। स्कोप का मतलब कार्य क्षेत्र, वह क्षेत्र तो क्या है। आपका ऑप्शन है कोई, इसमें एक ऑप्शन सही होगा बाकी गलत होगा। पहला ऑप्शन में है लिमिटेड, दूसरा में अनलिमिटेड, तीसरा में वाइड और डी में ऑल ऑफ दीज। तो पहला ऑप्शन में लिमिटेड है, दूसरा में अनलिमिटेड है, तीसरा में वाइड है और डी में ऑल ऑफ दीज है। इसका जो सही आंसर होगा है ना, क्या है, एकाकी व्यापार का कार्य क्षेत्र है ना, क्या है, तो लिमिटेड है ना, सीमित है। ज्यादा एक व्यक्ति कहाँ कहाँ व्यापार कर पाएगा, सीमित होगा। रांची एरिया में व्यापार कर पाएगा, छोटा सा एरिया में व्यापार करेगा। आपको तो मालूम ही है कि एकाकी व्यापार जो छोटा व्यापारी होता है, छोटी पूंजी लगाकर व्यापार करता है, तो इसका कार्य क्षेत्र जो होता है ना, इसका स्कोप जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है ना, क्या होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है, तो आप इसको, इसका उत्तर जो लिखिएगा वो लिमिटेड लिख दीजिए, है ना। और देखे भी होंगे आप लोग ये सोल ट्रेडिंग का। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव लिखिए, इसको मिटा भी दिए, फाइव नंबर आइए, मैं यहाँ पर फाइव डाल देता हूँ। ठीक है, आइए मैं आपको दोबारा समझाना चाहता हूँ। जो एकाकी व्यापार में क्या समस्या है, जो मेन प्रॉब्लम है, एक्सेलरेटेड प्रॉब्लम है, दी ग्रेटेस्ट एनडीआर एफ ऑफ ए सोल ट्रेडर। ये इसका हिंदी में बता दे रहा हूं, इसका हिंदी क्या है, इसका हिंदी जो है, हिंदी लिखिए आप लोग, कि एकाकी व्यापार की सबसे बड़ी कठिनाई है। क्या कठिनाई है, तो चार ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन में है सीमित पूंजी, लिमिटेड कैपिटल। दूसरा ऑप्शन में है अनलिमिटेड लायबिलिटीज, असीमित दायित्व। तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन में है छोटा आकार यानी स्मॉल साइज, और डी में ऑल ऑफ दीज। तो एकाकी व्यापार की जो सबसे बड़ी कठिनाई है क्या है, कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज। इस ऑप्शन के अनुसार स्मॉल साइज, लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लायबिलिटीज और ऑल ऑफ दीज, इन सब में से जो सबसे बड़ी, जो इन सभी ऑप्शन में जो सही ऑप्शन क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, है ना। पता नहीं एग्जाम में ऑप्शन ही पेज चेंज कर दे, कई तरह के ऑप्शन दे सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट हैंडीकैप ऑफ ए सोल ट्रेडर, जो सोल ट्रेडर होता है उसके सामने सबसे बड़ी कठिनाई होती है कि उनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। व्यापार का मालिक वही होता है, व्यापार का जो प्रबंध से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रबंध का कार्य वो खुद करता है। व्यापार को कैसे चलाना है, व्यापार को कब बंद करना है, व्यापार को कब खोलना है, गुड्स कैसे परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है ना। और प्रॉफिट होता तो उसी का ही होता है, और लॉस जब होता है तो पूरा लॉस वही भरता है। व्यापार का कोई भी डैमेज होगा, नुकसान होगा, तो पूरा वही फुलफिल करेगा, है ना। जरूरत पड़ता तो अपना घर की संपत्ति को बेच करके भी लोन को पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए एकाकी व्यापार का जो लायबिलिटीज होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख दीजिए आंसर, ठीक है, आंसर मैं ब्लू पेन से लिख दे रहा हूँ, है ना। अनलिमिटेड क्या लिखेगा, अनलिमिटेड, समझ गए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट,
लिखिए आप, मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी, the minimum number of members in a cooperative society is, cooperative society में जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम, है ना, ठीक है, cooperative society, चलिए अब इसका हिंदी हो गया कि सहकारी संगठन, cooperative society का हिंदी हुआ सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। आपको ऑप्शन भी सुना दो, पहले ऑप्शन में है 2, बी ऑप्शन में 7, सी ऑप्शन में 10, डी ऑप्शन में 20। तो इसका सही जवाब जो होगा, सहकारी संगठन में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 होती है, याद रखिएगा, कितना होता है बोलो, 10। तो यहाँ क्या लिखोगे, लिखोगे 10, समझ गया, चलो अब इसको मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, तो इसमें चार्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, चार ऑप्शन है, नेसेसरी, पहला ऑप्शन, नेसेसरी का हिंदी आवश्यक होता है, कंपलसरी का हिंदी अनिवार्य होता है, बी ऑप्शन में कंपलसरी है, सी ऑप्शन में अननेसेसरी है, और डी ऑप्शन में ऑप्शनल है। तो इसका सही आंसर होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, क्या है बोलो, कंपलसरी है, पहला ऑप्शन में नेसेसरी था, दूसरा में कंपलसरी था, तीसरा में अननेसेसरी था, और चौथा ऑप्शन में ऑप्शनल था। तो क्या कहोगे यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, कंपलसरी लिख दो, COMPULSORY, कंपलसरी अनिवार्य हिंदी हुआ, अगर नेसेसरी लिखा था तो नेसेसरी होता। नेक्स्ट लिखो 8 नंबर, ठीक है, नेक्स्ट में 8 लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, ट्रेड इज ऑफ टाइप्स, ट्रेड इज ऑफ टाइप्स, उसका चार ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन में सही होगा, जो सही ऑप्शन है उसको, पहला ऑप्शन है 2, में 3, सी में 10, डी में 7, ट्रेड इज ऑफ कितने टाइप का होता है, ट्रेड जो है वो दो प्रकार का होता है, सॉरी 10 ही कर दीजिए, गलत हो जाएगा, एक मिनट, ट्रेड जो है वो उसमें डाल दीजिए 2, दो कर दीजिए, खाली स्थान कितना बढ़ाएगा, 2, तो इसका आंसर लिखिए 2,
किया हुआ था ना, तो ट्रेड इज ऑफ टू टाइप्स, लिख लीजिए। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूँ, नेक्स्ट लिखिए, नाइन नंबर लिखिए, नाइन नंबर, ठीक है। आपको मैं दूसरा टॉपिक दे रहा हूँ, है ना, दूसरा टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, सोच के इम्पोर्टेंट जो है एक्सपेक्टेड ही क्वेश्चन दूंगा। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हिंदू सेशन, सेशन एस यू डबल एस आई ओ एन, सेशन हिंदू सेशन लॉ एल ए डब्ल्यू लॉ, वाज फॉर्म्ड हिंदी का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया है, कब बनाया गया था, कौन सा वर्ष, है ना। तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, वो एक ऑप्शन सही रहेगा, जो सही ऑप्शन रहेगा उसी को सिलेक्ट करना, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, मैं तो एक तरीका बता रहा हूँ कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो आप उस तरीका को फॉलो करो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन, पहला ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन में है 1856, दूसरा ऑप्शन में है 1947 1947, तीसरा ऑप्शन में है 1956 1956 1956, और डी ऑप्शन में है 1990 1990। इसका सही आंसर होगा कब है, 1956, क्या लिखा गया, 1956, ठीक है। अब नेक्स्ट में आइए, 10 नंबर आइए, 1956 ऐसे ही है, कंपनी का जो कैपिटल होता है, रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं, कंपनी में जो क्या होता है, कंपनी में कैपिटल होता है ना, तो पढ़े होंगे कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं, है ना, साइज कैपिटल, सब्सक्राइब इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, बिड अप कैपिटल, कैपिटल किससे बना रहता है, कैपिटल का जो प्रत्येक यूनिट जो वो क्या कहा जाता है, उस रिलेटेड क्वेश्चन, ओके। तो आप लिखिए, ठीक है, क्या लिखिएगा, द कैपिटल ऑफ द कंपनी, डी मत लगाइए, वहां ए लगा दिए, द कैपिटल ऑफ ए कंपनी is divided, the capital of a company is divided into a number of parts, each can, and each one of which are called capital of company is divided into a number of parts, which are called, क्या कहते हैं, मतलब कंपनी का जो कैपिटल होता है जो डिवाइडेड होता है नंबर ऑफ डैश डैश, तो आपको बताया था, है ना, इसको हम, चलिए इसका ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन में लिख लीजिए, पहला ऑप्शन लिखिए डिविडेंड हिंदी होता है लाभांश, दूसरा ऑप्शन लिखिए लाभ प्रॉफिट, तीसरा ऑप्शन लिखिए इंटरेस्ट ब्याज, और चौथा में लिखिए अंश यानी शेयर,
इसका जो सही होगा आंसर शेयर, क्या होगा बोलो, शेयर। कंपनी का जो कैपिटल होता है वो डिवाइड होता है नंबर ऑफ शेयर्स में, याद रखिएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। प्रत्येक यूनिट को, प्रत्येक इकाई को शेयर कहते हैं, अंश कहते हैं, शेयर का हिंदी होता है अंश। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन, है ना, चलिए ये भी आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको फिर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस से क्वेश्चन दे रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, इसका हिंदी हुआ व्यवसाय का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, पहला उद्देश्य जो ऑप्शन सुनिएगा, लाभ उद्देश्य, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, दूसरा उद्देश्य है सर्विस ऑब्जेक्टिव और मतलब सेवा उद्देश्य, और तीसरा उद्देश्य प्रॉफिट एंड सर्विस बोथ ऑब्जेक्ट्स, और डी में है कर चोरी, टैक्स इवेशन। तो व्यवसाय जो किया जाता है, व्यवसाय में क्या है, सर्विस दिया जाना है, कोई भी व्यवसाय जो होता है ना, वो एक वो क्या देता है, सेवा देता है ना, क्या देता है, सेवा प्रदान करता है, लाभ कमाना उद्देश्य है, व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, पहला उद्देश्य, हर व्यापारी लाभ कमाने के लिए ही व्यवसाय करता है, साथ में वो अपने कस्टमर्स को सेवा भी प्रदान करता है, तो दोनों ही इसका उद्देश्य है, इस ऑप्शन में दोनों ही आएगा, बोथ बोथ सर्विस प्रॉफिट एंड सर्विस, इसका आंसर वही होगा, बोथ सर्विस एंड प्रॉफिट, समझ में आया, इस ऑप्शन के अनुसार, ऑब्जेक्टिव तो और भी है लेकिन ऑप्शन में यही ना लिखा हुआ था कि लिखा था ओनली प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नॉट, सर्विस देना है हम कोई कस्टमर को, खाली लाभ कमाने के लिए उसको माल बेच रहे, नहीं सर्विस भी दे रहे, सेवा भी कर रहे उसका, है ना, सेवा उद्देश्य, केवल सर्विस उद्देश्य है नहीं, दोनों है, यानी कि प्रॉफिट है ना, देखिए प्रॉफिट एंड सर्विस, प्रॉफिट एंड, प्रॉफिट एंड सर्विस बोथ ऑब्जेक्टिव्स, बोथ ऑब्जेक्टिव, ठीक बोथ है ना, प्रॉफिट एंड सर्विस दोनों उद्देश्य है ना, सर ये भी आपको समझ में आ गया, ये हो गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन, जो देख रहे हैं जो अच्छा लग रहा है हमको, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये थोड़ा सा कि causes of business restart, causes of business, causes of business, causes of business रिस्क आर, आर आई एस के रिस्क आर, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर, आर कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर, ठीक है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर, इसका हिंदी क्या हुआ, व्यवसाय जोखिम के कारण है, तो क्या क्या कारण है, कारण सुनिएगा, उसमें पहला कारण है ह्यूमन, एस यू एम ए एन ह्यूमन, दूसरा में है फिजिकल, एच वाई पी एच वाई एस आई सी ए एल फिजिकल, तीसरा में है नेचुरल, नेचुरल, ऑप्शन में है ऑल ऑफ दिस कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर, है ना, तो इसका जो आंसर होगा, व्यवसाय में जोखिम के कारण क्या है,
ह्यूमन है, फिजिकल है, नेचुरल, ऑल ऑफ दीज में आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज कर दीजिए, ऑल ऑफ दीज में टिक कीजिए। ऑप्शन लिखने, बिना ऑप्शन लिखे काम होता तो मैं वहां कर ही देता हूँ, यहाँ नहीं सकता हूँ तो करना ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट में लिखिए, नेक्स्ट में ही है, क्वेश्चन है, is honesty of employees is honesty of employees causes business risk. आपको यहाँ पर चार ऑप्शन हम दे रहे हैं, जो एक ऑप्शन सही रहेगा और आपको ऑप्शन सुनना ज्यादा जरूरी है। मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका आंसर लिखना है, सुनिएगा ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन में ह्यूमन, दूसरा में नेचुरल। ह्यूमन का हिंदी क्या होता है, मानवीय, है ना, मानवीय। और बी में है नेचुरल, प्राकृतिक। और सी में है इकोनॉमिकल, आर्थिक। और डी में नन ऑफ दीज। तो कर्मचारी की बेईमानी किस तरह का व्यवसायी जोखिम है, तो सीधा है ह्यूमन। इसका आंसर क्या होगा, ह्यूमन, है ना। तो क्या आंसर होगा, ह्यूमन, ठीक है। क्या लिखिएगा, ह्यूमन, यहाँ पर क्या लिखिएगा आंसर में, ह्यूमन, H-U-M-N, ह्यूमन। अब आइए आप 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर में है, नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन जो दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स इंक्लूड्स ए ऑप्शन में बिजनेस एंड इंडस्ट्री, दूसरा में बिजनेस एंड ट्रेड, तीसरा में ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, और डी में नन ऑफ दीज। सुनिए, कॉमर्स इंक्लूड्स यानी कि हिंदी हो गया, अब वाणिज्य में सम्मिलित किया जाता है। पहला ऑप्शन में है व्यापार व उद्योग, इसके अंग्रेजी हुआ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। दूसरा में है व्यवसाय व व्यापार, बिजनेस एंड ट्रेड। और सी ऑप्शन में है व्यापार वाह व्यापार में सहायक क्रिया, और डी में नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा, व्यापार वाह व्यापार में सहायक क्रियाएं, यानी ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। इसका हिंदी क्या होगा, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, आपका आंसर लिखिए। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा होगा ट्रेड, है ना, ट्रेड, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ट्रेड एंड ट्रेड ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। इसका सही आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कंपनी में छोटा सा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट IMPOR है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी से कंपनी इस कंपनी का जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबसे अधिक एक कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है, चार एक दो आपको पढ़ाया गया था, इस चीज़ होता है एक मेमोरेंडम ऑफ डिसीजन होता है, और मेमोरेंडम ऑफ डिसीजन जो होता है कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, प्रमुख प्रलेख होता है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन में जो दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस एक है ना, तो प्रोस्पेक्टस जो है वो नहीं है, प्रोस्पेक्टस तो एक गाइड बुक है एक तरह से है ना, प्रोस्पेक्टस के माध्यम से शेयर्स को इशू करते उसमें रूल्स लिखा रहता है ना, है क्या शेयर का कीमत और रूल्स रहता है, ये प्रोस्पेक्टस होता है। दूसरा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल्स में है ऑल ऑफ दिस। तो कंपनी का जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से आंसर है, और इसका हिंदी होगा पार्षद सीमा नियम। ये कंपनी का ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की सभी बात A to Z लिखा रहता है, इससे हट के कंपनी कोई काम नहीं करती, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रमुख डॉक्यूमेंट है एसोसिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आइए, 16 नंबर हो गया, ये इसी कंपनी से क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट कंपनी सेटल कैपिटल शुड नॉट इंक्रीज, इंक्रीज शुड नॉट इंक्रीज गवर्नमेंट कंपनी हू सेटल द कैपिटल शुड नॉट decreased from his percentage. Chart. तो पहला ऑप्शन में 50%, दूसरा में 51%, 40%, 26%। तो एक सरकारी कंपनी वह है जिसके अंतर्गत सरकार की छुट्टा पूंजी इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो कितना है उसका है 51%, 51% परसेंटेज इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखो, 17 नंबर है ना, 17 नंबर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट आप 17 नंबर लिखिए, 17 लिखिए, नेक्स्ट लिखिए आप लोग। ठीक है, एज द सेलिंग्स ऐसे ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज AUXILIRIE ऑक्सिलरी सहायक
ऑफ ट्रेड ऑफ हिंदी हो गया व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रियाएं कौन होती है। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में कॉमर्स, दूसरा ऑप्शन में व्यापार यानी ट्रेड, और तीसरा ऑप्शन में बिजनेस, और चौथा में नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर तो आप जानते हैं स्टूडेंट, क्या होगा आपको क्लास में भी पढ़ाया गया था इस बात को कि व्यापार की जो सहायक क्रिया व्यापार प्लस ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड जो है वो है कॉमर्स। क्या है कॉमर्स, इसका आंसर क्या होगा कॉमर्स। चलिए इसका आंसर लिखिए कॉमर्स, कॉमर्स है ना। नेक्स्ट लिखिए सारा नंबर है ना। नेक्स्ट लिखिए Who issues the certificate of registration? Who issues the certificate of registration to a firm को कौन इशू करता है रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, है ना। तो आपको जवाब देना है who issues, क्वेश्चन है who है तो कौन है, कौन है what है दुनिया रजिस्ट्रेशन। आप बताइए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन तो पहले सुना दे रहे हैं, ऑप्शन सुन के जवाब लिखिए आप लोग। तो ऑप्शन में यही है पहला है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन में है पहला ऑप्शन में क्या था स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा में है सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, और डी में नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर सही होगा आंसर है ना, कौन आंसर होगा। स्टेट गवर्नमेंट होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, क्या होगा रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार आर सॉरी गलत हो गया आर ई जी आई एस टी आर ए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ऑफ फर्म्स ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, इसके जगह पर 19 क्वेश्चन नंबर लिखूंगा, 19 नंबर लिखिए, 19 नंबर लिखिए ठीक है। व्हिच टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हिच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, which type of economic activity, which type of economic activity requires which type of economic activity requires code of conduct। आपके सामने चार ऑप्शन रहेगा, जो सही ऑप्शन है उसी को टिक करना है ठीक है। तो इसको पहले मिटा दीजिए 18 नंबर पर। तो इसमें लिखना यही है ऑप्शन में, मैं आपको सही ऑप्शन आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप सुनिएगा। तो पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, और लास्ट में डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव।
इसका सही आंसर होगा प्रोफेशन, है ना, क्या होगा प्रोफेशन। बिजनेस होगा ना, विच क्या क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज रिक्वायर्स, वहां रिक्वायर्स की स्पेलिंग में मिस्टेक है, आर ई होगा, उसको करेक्शन कर लो, आर ई क्यू है, आर ई छूट गया है, रिक्वायर्स कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन होगा इसका आंसर, क्या होगा आंसर प्रोफेशन, इसका आंसर होगा प्रोफेशन, प्रोफेशन इसका सही आंसर होगा पी आर ओ, है ना, एफ ई डबल एस, एफ पी आर ओ डी, हाँ डबल एस छूट गया है, डबल एस प्रोफेशन, और वहां रिक्वायर्स है आर ई क्यू है, वहां आर क्यू लिखा हुआ, वहां करेक्शन कर लो, आर ई क्यू यहाँ पर करेक्ट, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं इसको, इसको यहाँ लिख दे, रिक्वायर्स का स्पेलिंग क्या है, आर ई क्यू क्यू यू आई आर एस, रिक्वायर्स ये है, उसको करेक्शन कर लो, रिक्वायर्स कोड ऑफ कंटेक्ट, है ना, ठीक है, ओके। अब आइए 20 नंबर, 20 नंबर आइए, है ना, 20 नंबर में लिखिए, इंडस्ट्री से क्वेश्चन है कि ये जो इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज ऑफन ऑफन मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज ऑफन, इसको मैं यहां पर कर दे रहा हूं, ठीक है, गलत हो गया, लिखने में ठीक, चलो इंडस्ट्रीज ऑफ एन मैन्युफैक्चर, यहाँ लिखते हैं एक लाइन में, एम ए एन एफ ए सी टी आर मैन्युफैक्चर, इंडस्ट्रीज ऑफ एन मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, टू टाइप्स ऑफ गुड्स, टू टाइप्स ऑफ गुड्स, चलिए पूछ लीजिए, ठीक है, क्या है, पहला ऑप्शन में है कैपिटल गुड्स, दूसरा ऑप्शन में कंज्यूमर गुड्स, और तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी और डी नाइन ऑफ दिस। तो इंडस्ट्रीज जो होता है वो कैपिटल गुड्स माने पूंजीगत वस्तुएं भी बनाता है और उपभोक्ता उपभोक्ता वाली वस्तुएं भी बनाता है, है ना, इसका आंसर तुम लिख दोगे बोथ, बोथ कर देना, ठीक है, ठीक, तो कैपिटल गुड्स, कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स दोनों बनाता है, कंज्यूमर दोनों बनाता है, इंडस्ट्री में दोनों तरह की वस्तु उत्पादन होता है, कैपिटल गुड्स का भी उत्पादन होता है और कंज्यूमर गुड्स का भी उत्पादन होता है, यानी कि बोथ, है ना, ठीक है, चलो कंज्यूमर सी ओ एन यू एस कंज्यूमर गुड्स का भी होता है। स्टूडेंट्स हमने मॉडल सेट वन में 20 क्वेश्चन तैयार किया है, आप 20 क्वेश्चन लिखिए, फिर इसके बाद मॉडल सेट टू आएगा, है ना, जो हो सकता है आज ही आ जाए, आपको मैं बना के भेजूंगा वीडियो, आप फिर उसको स्टडी कीजिए, और ये सिर्फ ये मैंने कह रहा यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये एक प्रोबेबल गेस क्वेश्चन है, बट उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछा जाए और आप सही सही जवाब लिख के आइएगा। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी सही होता है जब आप किसी सब्जेक्टिव सब्जेक्ट को पढ़े हो अच्छा से, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़े हो, तो ज्यादा बढ़िया आप उत्तर दे सकते हो किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसलिए क्लास 12 में जब जाइएगा तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा तो पहले आराम से थ्योरी पढ़िए, क्योंकि उससे क्या होगा, बेनिफिट क्या मिलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और अभी बहुत कम टाइम है कि मैं आपको सब कुछ बता पाऊँ। तो धन्यवाद आप सबको, है ना, आप लोग बढ़िया से स्टडी कीजिए, है ना, और अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, धन्यवाद।